टुडे फिफ्थ क्लास मैथ का काम है आपका चैप्टर 3 में से है, तो 3.1 एक्सरसाइज लगभग हमारी खत्म हो गई है। तो हमने आपको आज मैंने बताना है प्राइम नंबर्स के बारे में। तो हमारे जो नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये जो सारे नंबर होते हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसमें से जो नंबर अपने टेबल से जाते हैं और वन से जाते हैं, जैसे मान लो 2 है, 2 जो है इसके फैक्टर कौन से हैं 1 एंड 2, 3 के फैक्टर कौन से हैं 1 एंड 3, 5 के फैक्टर कौन से हैं 1 एंड 5, 7 के फैक्टर कौन है 1 एंड 7, 11 के फैक्टर कौन से हैं 1 एंड 11, ये सारे नंबर जो हैं इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर जो होते हैं वो 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, यानी जो प्राइम नंबर होते हैं या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, यानी जो 2 है वो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा, 3 जो है वो 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा, ऐसे नंबर जो होते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं। तो 1 हमारा जो है वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसमें एक ही नंबर है, यानी कि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद, ठीक है, वो वाले नंबर जो होते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे ही 4 ले लेते हैं हम, 6 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 10, 8 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 10, 12, 14, ये वाले जो नंबर हैं ये 1 से भी डिवाइड होते हैं, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 जो है वो 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है, 8 है वो 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है और 8 से भी होता है, ऐसे जो 9 है 1 से भी होता है, 3 से भी होता है और 9 से भी होता है। तो ये वाले नंबर जो 1 से 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं, 2 से ज्यादा 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने आज दो चीजें सीखी हैं, एक प्राइम नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं और कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो 1 और 3-4 नंबरों से डिवाइड होते हैं, जो 1 से तो होते ही हैं, खुद से भी होते हैं लेकिन बीच में और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, उनके जो ये 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 1 खुद, ठीक है, और कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, फैक्टर वो होता है जिससे हम उस रकम को डिवाइड करते हैं। तो मल्टीपल होता है जो जैसे 5 के मल्टीपल होते हैं 15, 10, 20 और 6 के मल्टीपल 6 का 12, 6 का 18, ये सारे क्या होते हैं मल्टीपल्स, ठीक है, ये इसके इन नंबर्स के मल्टीपल होते हैं, जो 5 है इन मल्टीपल्स का फैक्टर है, यानी कि इसको इसमें आपको 4 चीजें मैंने आपको आज बताई हैं, एक तो आपको मैंने आज प्राइम नंबर बताए हैं, दूसरे मैंने आपको कंपोजिट नंबर बताए हैं, तीसरे मल्टीपल पहले भी बता चुका हूँ आज फिर बता रहा हूँ, जैसे 5 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं 5 मतलब 5, 5 टू 10, 5 3 15, ये 5 के मल्टीपल है, ठीक है, और 5 जो है वो उनका फैक्टर है। 6 के जितने भी टेबल में नंबर आते हैं 6 12 6 4 18 6 4 24, ऐसे, ठीक है, तो वो जो सारे हम वो क्या है 6 के मल्टीपल्स हैं और जो 6 है वो उन मल्टीपल्स का एक फैक्टर है। ठीक है, आज इतना ही करना है हमने।